राज कुंद्रा वैसे तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन लोग उन्हें एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर ज्यादा जानते हैं। हॉटशॉट नाम के एक ऐप के जरिए पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के आरोप में कुंद्रा को मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने पहले कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा, फिर 27 जुलाई तक जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। तब से राज कुंद्रा जेल में ही बंद है। कुंद्रा पर आईपीसी की धारा 354C, 292 और 293, साथ ही 420 भी लगाई गई है। इसके अलावा आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A को भी उनके ऊपर लगाया गया है। कुंद्रा की जमानत याचिका पर मुंबई की सेशन कोर्ट की जो सुनवाई है वो होनी है, जबकि 25 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। इस हाई प्रोफाइल केस के वकील सुभाष यादव का कहना है कि कुंद्रा पर लगे आरोप निराधार हैं। उनका बनाया गया कंटेंट पोर्नोग्राफिक नहीं बल्कि इरोटिक कंटेंट है। इस केस ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे अहम तो ये कि क्या इरोटिक और पॉर्न कंटेंट में कोई अंतर होता है? अगर अंतर है तो हमारा कानून उसे किस तरीके से देखता है? क्या हमारे कानून में इरोटिक और पॉर्न कंटेंट के अंतर को साफ तौर पर बताया गया है? ये सब जानेंगे आज के एक्सप्लेनर वीडियो में। सबसे पहले जानिए कि पोर्नोग्राफिक और इरोटिका में अंतर क्या है और इसके अंतर को कैसे समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है ये। जो आप इनकॉग्निटो मोड पर जाकर उन वाली वेबसाइट पर मियां खलीफा, प्रिया रॉय जैसी तमाम पॉर्न एक्ट्रेस के वीडियोस देखते हैं ना, वो है पॉर्न कंटेंट। और ऑल्ट बालाजी, उल्लू जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो कंटेंट देखते हैं वो है इरोटिक कंटेंट। अगर परिभाषा की बात करें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक पोर्नोग्राफिक का मतलब नग्न होकर ऐसी हरकतें करने से है जिसे देखकर दर्शक उत्तेजना महसूस करे। वहीं सेक्स को मानवीय संवेदना के तौर पर पेश करना इरोटिका कहलाता है। इरोटिक कंटेंट में न्यूडिटी होना जरूरी नहीं है। पोर्नोग्राफिक और इरोटिका के अंतर के बारे में अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर लूसी फिशर कहती हैं, इरोटिका में रेशम का एहसास है जबकि पोर्नोग्राफिक में नायलॉन का। उनके मुताबिक इरोटिका मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोगों के लिए है जबकि पोर्नोग्राफी अकेले और अशिक्षित लोगों के लिए है। वैसे एक और बड़ा अंतर इसे बनाने वालों के नजरिए का भी है। पॉर्न भद्दा और डिग्रेडिंग लग सकता है जबकि इरोटिका में एस्थेटिक्स है। इसमें प्रोडक्शन और पैकेजिंग का महत्व ज्यादा होता है। खैर, कुछ लोग तो इरोटिका को हाई क्लास पोर्नोग्राफी तक कहते हैं। उनका मानना है कि ये बेहतर क्लास के कंज्यूमर के लिए डिजाइन किया हुआ प्रोडक्ट है। इरोटिका और पॉर्न की बात चल ही रही है तो ये भी जान लीजिए कि भारत में अकेले में अडल्ट पॉर्न कंटेंट देखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना और शेयर करना प्रतिबंधित है और गैर कानूनी भी है। तो अश्लील कंटेंट को लेकर भारत का कानून क्या कहता है? आईपीसी के सेक्शन 292 में उत्तेजक सामग्री को अश्लील कहा गया है। ये सेक्शन कहता है कि अश्लील सामग्री के जरिए कोई लाभ कमाने की कोशिश करता है तो उसे सजा दी जा सकती है। सेक्शन 293 में ये कहा गया है कि 20 साल से कम उम्र के लोगों को ये कंटेंट ना तो बेचा जा सकता है और ना ही उन्हें ये दिखाया जा सकता है। वहीं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट में महिलाओं को किसी भी तरह से अशिष्टता के साथ पेश करने से जुड़ी सामग्री प्रतिबंधित है। इसमें इस तरह की सामग्री के प्रकाशन, अरेंजमेंट या ट्रांसमिशन पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा आईटी एक्ट के सेक्शन 67 में अश्लील सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रकाशन और ट्रांसमिशन पर पाबंदी है। उल्लंघन करने पर 3 साल तक की सजा और 5,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं सेक्शन 67A के तहत जहां सेक्सुअल उत्तेजित करने वाली हरकतें की जाती हैं, उन दृश्यों को भी अश्लील कॉन्टेंट की कैटेगरी में रखा गया है। इसमें अधिकतम 5 साल की जेल और 10,00,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ये सब बातें तो हो गई कानून की, अब फिर से बात राज कुंद्रा की, जिनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 25 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में और 26 अगस्त को मुंबई सेशन कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही ये तय होगा कि राज कुंद्रा पॉर्न कंटेंट बना रहे थे या इरोटिक कंटेंट, और कोर्ट इन दोनों के बीच के अंतर के बारे में क्या टिप्पणी करती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।